हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ शमशेर राजपूत। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे आप सीजीएल की बात करते हो, एसएससी की बात करते हो, या इवन कि हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, नेट और सेट और यूजीसी नेट सेट, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, अगर हम पीएससी की लेक्चरर की बात करें तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने टिक किए हैं और वही क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथर्न ईस्ट एशियन नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो राइट ऑप्शन है इसका पार्ट ए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसका राइट ऑप्शन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो फुल फॉर्म है आसियान की, ये है साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द मोटिव जो है आसियान का इज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक ऑपरेशन को प्रमोट करना इन साउथ ईस्ट एशिया में एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो ये थी कुछ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेम्बर्स आर इन द आसियान? आसियान में कितने मेंबर्स हैं? 18 है, 67 है, 10 है, 53। राइट ऑप्शन है इसका सी पार्ट, 10 मेंबर हैं आसियान में। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसको आसियान भी बोला जाता है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक। करंटली जहाँ पे आसियान में जो है 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द आसियान? तो यहाँ पे आपने बताना कि इसमें कौन सी कंट्री जो है आसियान का हिस्सा नहीं है। लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मॉरिशियस। तो पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है, मॉरिशियस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं। देर आर 10 मेंबर्स इन द आसियान, द नेम्स आर एज फॉलोज, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड ब्रुनई। तो ये 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर कंट्रीज हैं जो हैं सार का हिस्सा, सॉरी आसियान का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आसियान मेंबर? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है अगर हम आसियान कंट्री मेंबर्स की बात करें? इंडोनेशिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द आसियान मेंबर्स, पार्ट बी। सिंगापुर हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी अमंग द आसियान मेंबर्स, पार्ट सी। कंबोडिया हैज़ लोएस्ट नॉमिनल जीडीपी अमंग द आसियान मेंबर्स, और पार्ट डी, ब्रुनई हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन अमंग द आसियान मेंबर्स। तो पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है, कंबोडिया हैज़ लोएस्ट नॉमिनल जीडीपी अमंग द आसियान मेंबर्स, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रुनई जो है लोएस्ट नॉमिनल जीडीपी अमंग द आसियान मेंबर्स अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द ब्रुनई वाज US$12,336 million इन अप्रैल 2017। जिसका कुछ एस्टिमेट्स दिया हुआ है जीडीपी यूएस बिलियन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज आसियान वाज इस्टेब्लिश्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आसियान कब इस्टेब्लिश हुआ था। 1963, 1967, 1985, 1996। राइट ऑप्शन इसका 1967, पार्ट बी। 1967 जो है इसका राइट ऑप्शन है, इसका थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1967 जो इसका राइट ऑप्शन है, 1967 में। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आसियान जो फाउंडेड किया गया था 8 अगस्त 1967 में, इसके उस समय 5 मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। उस समय 5 मेंबर थे, 5 मेंबर कंट्रीज थी जब ये आसियान फाउंड किया गया, बना था 8 अगस्त 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट आसियान समिट हेल्ड? फर्स्ट समिट जो है आसियान का हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मनीला में, सिंगापुर, बाली या जकार्ता। पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है, बाली। बाली आप देख लेते कहाँ पे बाली। फर्स्ट जो आसियान समिट हुआ था हेल्ड इन बाली, ये इंडोनेशिया में है, बिटवीन February 23 to 24। ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान? आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बाली में, जकार्ता में, मनीला में, सिंगापुर में। तो राइट ऑप्शन इसका पार्ट बी, जकार्ता। जकार्ता में है इसका हेडक्वार्टर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। हेडक्वार्टर जो आसियान का वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में, और इसका जो इट्स सेक्रेटरी ऑफ इट्स स्टेट्स लिव इन द कैपिटल ऑफ ईच कंट्री,
और जो पोस्ट है सेक्रेटरी जनरल की आसियान की रोटेटरी मांग ईच मेंबर कंट्री, मतलब टर्न बाय टर्न ये अल्फाबेटिकली क्या होता है, इसकी जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होती है वो टर्न होती है, रोटेट होती जाती है, कभी जहाँ पे हम बात करते हैं थाईलैंड की होगी, कभी सिंगापुर की, इस तरीके से वो चेंज हो जाती है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। 2 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल बनते हैं और 2 साल के बाद रोटेट होते हैं टर्न बाई टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान? आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, पार्ट बी। टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक ऑफ द रीजन्स टू मेक रीजन्स मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, पार्ट सी। टू प्रमोट इकोनॉमिक ऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, पार्ट डी बोथ बी एंड सी। तो राइट ऑप्शन इसका पार्ट डी, बी और सी इसका जो राइट ऑप्शन है, बी और सी बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है इसके। इंटीग्रेट करती है इकोनॉमिक ऑफ द रीजन टू मेक रीजन मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, और सी इसका है टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करती है साउथ ईस्ट एशिया में और इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। आप इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। आसियान जो नेशन है वहाँ टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन को जो प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करते हैं जी इन साउथ ईस्ट एशिया में, एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, एंड टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन टू मेक रीजन मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। तो हाँ, लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो बाकी जो वीडियोस हैं पॉलिटी की, जितने भी वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, प्लीज़ उसको भी आप देख लीजिएगा। सो लास्ट में वंस अगेन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।